अवैध खनन के खिलाफ वन विभाग की कार्रवाई, अवैध खनन कर ले जाते हुए डंपर को किया जब्त। गुड़ापोंख में वनपाल नीलाधर की टीम ने की कार्रवाई, डंपर को लाया गया रेंज कार्यालय झुंझुनू, डंपर मालिक पर वन अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई। झुंझुनू में वन क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए वन क्षेत्र से अवैध खनन ले जा रहे डंपर को जब्त। वनपाल लीलाधर ने जानकारी देते हुए बताया कि विशेष अभियान के तहत गश्ती दल ने गुड़ापोंख इलाके में कार्रवाई करते हुए अवैध खनन कर ले जा रहे डंपर को जब्त किया है। डंपर को जब्त कर झुंझुनू रेंज कार्यालय खड़ा करवाया गया है। डंपर मालिक के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। वनपाल लीलाधर ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि गुड़ापोंख गांव में वन क्षेत्र में अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर गश्ती दल टीम ने कार्रवाई करते हुए खनन कर रही जेसीबी को भी जब्त किया है। जेसीबी चालक रात्रि को अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। वन विभाग द्वारा जेसीबी मालिक पर भी वन अधिनियम के तहत वन क्षेत्र में अवैध तरीके से खनन करने पर कार्रवाई की जाएगी। रात्रि में वन क्षेत्र गुड़ा में एक मोरम से भरा हुआ अवैध खनन कर मोरम ले जाते हुए डंपर को जब्त कर रेंज कार्यालय झुंझुनू में खड़ा करके उसके खिलाफ अनुसंधान जारी है। रात्रि के अंधेरे का फायदा उठाकर जेसीबी चालक मौके से फरार हो गया। जेसीबी के मालिकों के खिलाफ भी अनुसंधान जारी है।